और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के बाद याद आई प्रशासनिक मजबूरी। एक बड़े चिकित्सक को लेकर चिकित्सा विभाग का बड़ा यू टर्न। निदेशक आरपी डोरिया का वीआरएस का फैसला विड्रॉ कर दिया गया। चिकित्सा मंत्री की अनुशंसा पर निरस्त किया गया है वीआरएस। दरअसल डॉक्टर डोरिया के ही आवेदन पर दिया गया था 1 अगस्त से वीआरएस, यानी कि आज चिकित्सा विभाग की सेवाओं से मुक्त हो जाते डॉक्टर डोरिया। लेकिन सेवा समाप्ति के आदेश से ठीक पहले वीआरएस का फैसला विड्रॉ कर लिया गया। हालांकि फाइल मंजूरी की तिथि के हिसाब से बैकडेट से निकले आदेश और अब निदेशक जनस्वास्थ्य की दौड़ में शामिल हुए डॉक्टर डोरिया। ये अपने आप में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य की दौड़ में डॉक्टर डोरिया अब शामिल हो गए हैं, लेकिन वजह इसके पीछे की क्या रही ये जानेंगे हमारे सहयोगी विकास शर्मा से। विकास, एक बार पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए पूनम, आज बड़ा रोचक घटनाक्रम जो है चिकित्सा विभाग में देखने मिला। चिकित्सा महकमे के अंदर डायरेक्टर, जो कि एक बहुत अहम पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है, वहां पर डॉक्टर जो है डोरिया जो है उनका वीआरएस जो है सरकार ने मंजूर किया था। अगर वीआरएस मंजूर करने के पीछे की वजह जो थी वो पारिवारिक परिचय दी गई थी, लेकिन उन्हीं का आज अंतिम दिन था, आज उनको कार्यमुक्त किया जाना था। लेकिन कार्यमुक्त करने के ठीक पहले बैक डेट के अंदर एक नया आदेश निकलता है, जिसमें उनकी जो वीआरएस मंजूर करने की जो फाइल का जो आदेश निकला था उसका निरस्त कर दिया गया, जो कि एक सबके चौंकाने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने खुद के आवेदन, खुद के आग्रह पर वीआरएस में आवेदन किया था और उसी आग्रह के ऊपर चिकित्सा विभाग ने उनका वीआरएस मंजूर भी किया था। लेकिन ऐन वक्त पर जब उनका सेवा मुक्ति का आदेश निकलना था, उनकी जगह उनको सेवा बहाली का उनका आदेश जो निकलता है वो सभी के लिए विषय है। ये जो आदेश निकला है इसके पीछे की जो चर्चा है वो इसी बात पर लगेगी कि डायरेक्टर जन स्वास्थ्य का जो पद है वो खाली हो चुका है, इस पद के दौर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अभी तक फर्स्ट इंडिया ने बताया था कि अभी तक 3 या 4 लोग थे थे, लेकिन आज जैसे ही आरपी डोरिया को वीआरएस जो है वो विड्रॉ हो गया उनका, तो उसके बाद में वो भी दौड़ में शामिल हो गया। और न सिर्फ दौड़ में शामिल जब बल्कि प्रमुख दावेदार के रूप में उभर के सामने है, शायद संभवतः आज या कल के अंदर उनके लिए भी कोई अलग से आदेश जारी होते, क्योंकि निदेशक के रूप में सबसे सीनियर आदमी जो है अभी आरपी डोरिया विभाग के अंदर बचे हैं। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा, वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।